आज हम हम पढ़ने स्टैंडर्ड का कंप्यूटर कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर इसके आंसर्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस फर्स्ट टिक टिक करेक्ट ऑप्शन हमें करना है इन आउटपुट म्यूचुअल से कौन सा आएगा आउटपुट मॉनिटर कौन सा जो है, उसमें कितने कीज होते हैं ओके देन थर्ड क्वेश्चन द इज द डैश ऑफ कंप्यूटर ब्रेन हार्ट लंग्स प्रोग्राम तो क्या है ब्रेन हम बोलते हैं ना सीपीयू क्या है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ओके देन क्वेश्चन नंबर बी टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है हमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन द जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ मैन क्या सीपी यू जो है होता है वो कैसे काम करता है ब्रेन ऑफ मैन जैसे काम करता है क्या यस ट्रू क्वेश्चन नंबर टू द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी जब अपन प्रिंटर में से कोई प्रिंट निकालते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं हम जो पेपर रहता है वो एक उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं ट्रू और फॉल्स ट्रू ठीक है की बोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस जो की बोर्ड है हमारा वो आउटपुट डिवाइस है क्या नो no. क्या है की बोर्ड इनपुट डिवाइस है फॉल्स

इसमें अपने को ऑप्शन देखे हैं यहाँ पे इस बॉक्स में और यहाँ पे हमें फिल करना है द रिजल्ट प्रोड्यूस कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं आउटपुट ठीक है डैश हेल्प अस टू फीड डेटा इन टू कंप्यूटर है ना तो हम किससे डेटा को मतलब डेटा एंटर करते हैं की बोर्ड के थ्रू है ना तो यहाँ पे आएगा की बोर्ड ओके देन क्वेश्चन नंबर थ्री ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर कहेंगे हार्डवेयर जो भी होता है हम उसे टच कर सकते हैं देख सकते हैं ना यस ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन आर परफॉर्म बाय किस में होते हैं सी पी यू ओके सी पी यू में होते हैं सी पी यू क्वेश्चन नंबर फाइव डैश इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट एम यू हम एम यू में क्या करते हैं स्टोर करते हैं रिजल्ट को ठीक है क्वेश्चन नंबर डी आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो हमें इन, इन, सारे इसका क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं okay? ओके देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिख दी नेम फर्स्ट देखेंगे नेम ऑफ एनी फोर हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आंसर क्या आएगा मॉनिटर कीबोर्ड माउस प्रिंटर ठीक है Monitor, keyboard, mouse, printer, और भी है जो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बिटवीन अपने को बताना है ठीक है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या सेट बना लो बॉक्स उसमें डिफरेंस बिटवीन हम लिखेंगे फर्स्ट हार्डवेयर ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर तो हार्डवेयर किसे बोलते हैं हम जिसे हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं ना जैसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क रहता है या जो भी वर्क देता है उसे हम क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो हमें दिखता है लेकिन वो क्या है हम उसे टच नहीं कर सकते हैं ना फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें हम हार्डवेयर में एग्जाम्पल देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर कीबोर्ड माउस मॉनिटर कीबोर्ड माउस ये है हार्डवेयर से और फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे एम एस पेंट विंडोज मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा एम एस पेंट में हम पेंटिंग कर सकते हैं है, है ना उसको टच कर सकते हैं कि नहीं वहाँ पे पेंट कर सकते हैं घर बना सकते हैं जो भी करना है वो कम कर सकते हैं इसमें ठीक है वो क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे हम वाई इज सी यू कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं सीपी यू को देखो यहाँ पे आंसर है जस्ट लाइक अवर ब्रेन कीप्स कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ बॉडी जैसे हमारा ब्रेन है ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है हमारे सारे बॉडी पार्ट को है ना वैसे सीपी यू कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर वैसे सीपीओ क्या करता है सारे फंक्शन जितने भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स एंड फंक्शन उन सब क्या करता है कंट्रोल करता है दैट इज वाई सीपी ऊ इज कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए हम क्या 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 बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ़ द कीबोर्ड एंड स्कैनर हम कीबोर्ड और स्कैनर के फंक्शंस देखेंगे फर्स्ट कीबोर्ड कीबोर्ड इज यूज फॉर फीडिंग इनपुट इनटू द कंप्यूटर्स वी कैन इनपुट डेटा बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड हम क्या करें की के थ्रू इनपुट देते हैं है ना कंप्यूटर के अंदर है ना और इसका फंक्शन यही है कि इनपुट देने का कोई कोई डेटा हम टाइप करके दे देंगे या कोई नेम हो गया है ना कोई नंबर्स के थ्रू हम इनपुट्स देते हैं और हम देखेंगे स्कैनर स्कैनर वी यूज द स्कैनर टू स्कैन टेक्स पिक्चर्स फोटोज एंड इमेजेस हम स्कैनर से क्या करते हैं कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो हम उसको स्कैन कर लेते हैं हम हमारे इमेजेस हो पिक्चर्स हो गए ना तो स्कैन कर लेते हैं हम कंप्यूटर स्कैनर के थ्रू वी कैन स्टोर द सेम ऑन द कंप्यूटर हम जो स्कैन करते हो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं ठीक है एज इट इज हार्ड कॉपी इज कन्वर्टेड इन सॉफ्ट कॉपी थ्रू इट मेन पॉइंट ये है कि जो मैंने टिक कर दिया है हार्ड का हार्ड कॉपी जो भी हमारा हार्ड जिसको भी डॉकमेंट हम स्कैनर के अंदर डाल दिए तो वो क्या क्या कर देगा स्कैन करके हमें एक सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर हमें दिखाएगा एज इट इज तो हम उसे बोलेंगे उसका फंक्शनिंग यही है ठीक है थीके? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है सेकंड चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू